अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद करने वाले हैं। आज हम चिकन के रोल्स बनाएंगे, बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे, कुछ डिफरेंट। उसके लिए सबसे पहले हमने एक वोक में 1 टेबलस्पून मक्खन ले लिया। मक्खन मेल्ट होने लगेगा तो हम इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज डालेंगे, जिसे हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया। साथ में 2 से 3 हरी मिर्चें भी डालेंगे, कट करके बारीक बारीक। फ्लेम को हमने हाई रखा है। दोनों चीज़ों को हम 2 से 3 मिनट इस तरह चलाते हुए बस नरम कर लेंगे। फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून भरकर। अदरक लहसुन को 1 से 2 मिनट भून लेंगे, अच्छी तरह चलाते रहेंगे। अदरक लहसुन भुना जाने के बाद हम इसमें बॉईल और श्रेड की हुई चिकन डालेंगे। ये 250 ग्राम बोनलेस चिकन लेकर हमने थोड़ा नमक और थोड़ी काली मिर्च का पाउडर डालकर बॉईल कर लिया और फिर इस तरह से श्रेड कर लिया है हाथों से। हम इसमें 3 रंगों की कैप्सिकम भी डालेंगे, आधा कप। आपको ज़रूरी नहीं है 3 कलर्स की यूज़ करना, अगर आपके पास ग्रीन अवेलेबल है आसानी से तो ग्रीन वाली डाल दें। फ्लेम को हाई करेंगे और ये सब चीज़ों को 1 से 2 मिनट चलाते हुए पका लेंगे। 2 से 3 मिनट सारी चीज़ों को हमने फ्राई कर लिया। हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 2 टीस्पून डाल रहे हैं हम। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपके घर में खाते हैं। 1 टीस्पून सोया सॉस, लेमन जूस ये हम 2 टीस्पून यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा नमक, तकरीबन हमने 3/4 टीस्पून के आसपास यूज़ किया। हम इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर डालेंगे, आप चाहें तो ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया और 1 से 2 मिनट चलाते हुए पका लेंगे। फिर हम इसमें आलू डालेंगे। 2 बड़ी साइज़ के आलू लेकर हमने बॉईल किया और फिर अच्छी तरह से मैश कर लिया है। काफ़ी सारा हरा धनिया भी डालेंगे और बस फ्लेम को लो रखते हुए सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके 1 मिनट पका लिया है। फ्लेम को हम ऑफ करेंगे, इसे ठंडा होने देंगे। तब तक हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर बनाने के लिए एक बोल में हम 1/2 कप चावल का आटा ले लेंगे। 1/2 कप चावल का आटा यानी 70 से 80 ग्राम तकरीबन वज़न से हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। जितना आटा लेंगे उसका डबल पानी डालना है। थोड़ा नमक डालेंगे 1/4 टीस्पून के आसपास, थोड़े चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून के आसपास डाल दिया हमने, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चावल का आटा मार्केट्स में आसानी से मिल जाता है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो चावल को मिक्सर ग्राइंडर में बारीक सा ग्राइंड कर लें और फिर छान लें, उसे यूज़ कर लें। एक विस्क की मदद से अच्छी तरह मिलाएंगे ताकि लम्स ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए रहने देंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप इसका इजहार कर सकते हैं 1 लाइक के ज़रिए, और हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करेंगे। तो आप लाइक का बटन दबाएं और हम यूं गए और यूं आए। हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है, ये पॉइंट पर ज़रूर से नमक को टेस्ट कर लें। आप चाहें तो ये पॉइंट पर चीज़ ऐड कर सकते हैं, अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो जब आप इसे पकाएं तो नमक का ख्याल रखें। हमने नमक थोड़ा ही डाला क्योंकि सोया सॉस में भी नमक है, और अगर आप चीज़ डालने वाले हैं तो और भी कम डालें। हम इस तरह के छोटे छोटे रोल्स बनाएंगे। इतने मिक्सचर में हमने 21 रोल्स बना करके तैयार कर लिए हैं। चलिए अब इन्हें कोट कर लेते हैं। कोटिंग वाले बैटर को भी रखते हुए 15 मिनट हो गई हैं, तब तक हमने रोल्स बनाकर तैयार कर लिए थे। अच्छी तरह से चलाएंगे एक बार, क्योंकि नीचे चावल का आटा बैठ जाता है। रोल्स को पहले हम इस मिक्सचर में डिप करेंगे, फिर हम इन्हें सूजी से कोट कर लेंगे। अच्छी तरह से कोट करेंगे, दोबारा इसे चावल के मिक्सचर से कोट करना है, फिर एक बार सूजी से कोट करेंगे।
दो बार कोट करने से इनकी कवरिंग बहुत अच्छी हो जाती है और ये बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं। बस ये फ्राई करने के लिए रेडी हो चुके हैं। आप अगर इन्हें स्टोर करना चाहते हैं, फ्रीज करना चाहते हैं, तो यही पॉइंट पर इन्हें फ्रीज कर दें 3 से 4 घंटों के लिए, जब तक ये बहुत अच्छी तरह हार्ड नहीं हो जाते। बाद में इन्हें आप मनचाहे कंटेनर्स में या ज़िपलॉक बैग में स्टोर करके रख सकते हैं। ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म किया है, एक एक करके इसमें रोल्स डाल देंगे। इस तरह से अलट पलट करते हुए हम अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर दे देंगे इन पर। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। अच्छी तरह से हमने इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लिया है फ्राई करके। निकाल लेंगे। माशाल्लाह, आप सुन सकते हैं कितने अच्छे और क्रिस्पी रोल्स बने हैं।